मनीषा रानी के फ्रेंड विशाल सिंह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए फैज़ान अंसारी पे, जहां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू काफ़ी कुछ बोला है, जहां उन्होंने बोला है मीडिया हाउसेस को भी कि आप लोग किसको बुला लेते हो ये नेशनल टेलीविज़न पे, जिसका कोई वजूद वगैरह नहीं रहता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई पहचान वगैरह नहीं है अच्छी ढंग की, उसको बुला लेते हो और जिसकी इज्जत है मार्केट में उसकी इज्जत ख़राब करने के लिए। जहां वो ये भी बोलते हैं कि इन्होंने पहले भी पोक करने की कोशिश की थी और कुछ उल्टा सीधा बोला था मनीषा के बारे में जब वो बिग बॉस के घर में थी, जहां उन्होंने ने ये भी बोला कि अगर उसको लग रहा है कि वो अकेली है ना तो वो समझे ना कि वो अकेली है, मनीषा रानी उसके साथ भी काफ़ी लोग खड़े। जहाँ वो ये भी बोलते हैं अगर गवर्नमेंट को दिखाना रहेगा फ़ोन, गवर्नमेंट बोलेगी तो हम लोग दिखा देंगे कि एविडेंस है कि नहीं है, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनको धमकी भी देते हुए दिखे विशाल सिंह। तो आपका ख्याल है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। हाय गाइस, तो एक अंसारी करके कोई बंदा है उसका इंटरव्यू देख रहा हूँ, दो तीन दिन से इग्नोर कर रहा था क्योंकि इस पर रिएक्शन देना नहीं था, पर ये जब मनीषा बिग बॉस में थी तब भी ये कुछ बोला था, उस टाइम भी इग्नोर किया गया था, उस टाइम इसको भाव मिला नहीं, वापस आया ये। पहले तो मैं मीडिया वालों से पूछना चाहूंगा कि जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, आप उसको नेशनल टेलीविजन पर बिठा करके उनके बारे में बात करो जिनकी मार्केट में इज्जत है। और तू सुन मेरी बात, मनीषा प्रशासन को फोन दिखा देगी जब प्रशासन पूछेगी, तो एविडेंस है कि नहीं वो सब पता लग जाएगा। उस लड़की को तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में कि क्या होता है सांप का जहर, क्या होता है नशा, इन सब चीजों के बारे में कोई नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता। पर तू जो अपना चोंच लेके गया है ना मीडिया में और प्रशासन को बोल रहा है कि चेक करने के लिए, हम तो करा देंगे, हम सारे खड़े हैं उसके साथ। तू सोच रहा है ना कि अगर वो अकेली है तो ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है, लेकिन उसके बाद तू अपने आप को प्रिपेयर करके रखना कि तेरे साथ क्या होगा, फिर तेरे पे कहां कहां से केसेस होंगे ना, फिर तू ये तू सोचना, अपने आप को बचा के रखना, देखते हैं तू क्या करता है उसके साथ।